प्रेस की असली राजनीति की तस्वीर देखनी है तो स्टेज के निकट एच डी में देखिए, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं। और नारे लगाने में कौन देखे, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आगे आगे कहीं सचिन पायलट के समर्थक नहीं बैठ जाएं और सचिन पायलट के नारे स्टेज पर न सुनाया दे, इसलिए इस डी को पूरी तरह से खाली रखा गया है। और इस तरह कोशिश की गई है कि सिर्फ अशोक गहलोत के समर्थक यहां पर आए, धर्मेंद्र राठौड़ हो या फिर गोविंद मेघवाल हो बीकानेर से, इन लोगों को खास तौर पर जिम्मेदारी दी गई है कि इसको खाली रखा जाए। यहाँ पर सिर्फ अशोक गहलोत के समर्थक आए, सचिन पायलट का कोई समर्थक यहाँ नहीं बात। अशोक गहलोत के नारे लगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी के लगा रहे हैं, अशोक गहलोत के लगा रहे हैं, राहुल गांधी के लगा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी महंगाई हटाओ महारैली करने जा रही है, पूरे प्रदेश के नौजवानों में भारी आक्रोश है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। और राजस्थान के नौजवान आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे अपनी आवाज बुलंद करने आए। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आपको ये पूरा पूरा ये डी जो है पूरा खाली रखा गया है, इसमें पूरी कुर्सियां खाली रखी गई है। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कोई भी सचिन पायलट का समर्थक कहीं से एंट्री ना कर दे। और यहाँ पर सिर्फ अशोक गहलोत के नारे स्टेज पर दिखाई दे, ये आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति क्या चल रही है। क्योंकि अक्सर जो है गहलोत गुट परेशान हो जाता है जब सचिन पायलट के समर्थक सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अशोक गहलोत के जो है मुखौटे लगा के खड़े किए गए हैं लोग, और ये अशोक गहलोत के नारे लगा रहे हैं। ये कांग्रेस की असली तस्वीर है राजस्थान की। महंगाई तो पीछे है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी के लिए, कि राजस्थान के नेताओं के लिए क्या बड़ा मुद्दा है यह आप देख सकते हैं कि डी की राजनीति रैली में स्टेज के निकट किसके समर्थक बैठेंगे और किसके नारे सुनाई देने चाहिए, यह एक राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थक मानते नहीं है, अशोक गहलोत को लगता है कहीं पूरे देश के नेता यह न देख लें कि वह सचिन पायलट ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए खास तौर पर रणनीति बनाई गई है कि सचिन पायलट का कोई भी समर्थक स्टेज के आसपास नहीं आ पाए। यही कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की सच्चाई है। अगर कांग्रेस को चुनाव में जीतना है तो इस सच्चाई से बाहर आना होगा और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को रखना होगा, राहुल गांधी के मुखौटा पहनकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा रहना होगा। इस तरह से खेमेबाजी का असर क्या होता है, पार्टी पिछले 3 सालों से भुगत ही रही है और इसका असर रैली पर भी देखा जा सकता है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार,